ये है कि आदिवासी न्याय गारंटी, आदिवासियों को न्याय देना ये हमारा पहला कर्तव्य है और उनको सताया जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनको फॉरेस्ट से बाहर निकाला जा रहा है, उनको उनके ऊपर इतने क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं और उसके अलावा हरेसमेंट हो रहा है, वहाँ महिलाओं का रेप होता है, बच्चियों का रेप होता है, कोई पूछने वाला नहीं है, बॉन्डेड लेबर उनको ट्रीट किया जाता है, बहुत से आदिवासी लोगों को वो बॉन्डेड लेबर के तहत वो बाहर ले जाते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के तहत ले जाके उनके सालों से रख लेते हैं। इन चीजों को हम इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए उनको हम इन आदिवासी न्याय गारंटी दे रहे हैं। इसमें सुशासन और जैसा कि मैं अभी कहा कि वन अधिकार नियम और इनके लिए एक केस अभी स्पेशल बजट तो है लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता, SC ST स्पेशल कंपोनेंट प्लान एक कानूनी देना चाहिए लेकिन बहुत से जगह ये देते नहीं। जैसा कि इसके लिए पहला कदम तेलंगाना आंध्रा जो YSR थे उन्होंने SCP सब प्लान करके जितनी पॉपुलेशन है उसी तरह उनको एक सब प्लान करके उनके लिए ही वो पैसा खर्च किया जाता है और उन्हीं के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उस बजट से। अगर बजट्स उस वक्त साल खर्च नहीं हुआ तो लैप्स नहीं होता, वो आगे के साल उसको ले जाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा कदम है, इसको हम सख्ती से जहाँ जहाँ हमारे स्टेट रहेंगे वहाँ पर भी करेंगे और केंद्र सरकार में भी जितनी आज सोशल वेलफेयर में इतनी बजट होती है कि नाम के वास्ते रख रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा बच्चों को टाइम पे, हॉस्टल का फीस भरने के लिए जल्दी पैसे देते नहीं और जिस जगह प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं उस हॉस्टल में उनको जो खाने के लिए पैसे बोर्डिंग लॉजिंग का पैसे जो भेजना है वो भी वक्तिया भेजते नहीं। उसी लिए बहुत से जगह बच्चों को जो वो कोर्स कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जाता है और 50% बच्चे मोर आर लेस इस वजह से आगे में अपना शिक्षण खत्म करते हैं। तो इसीलिए ये हम राष्ट्रीय स्तर पर भी SCP का बजट और स्पेशल कंपोनेंट से उनको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरा, मोदी सरकार द्वारा ये जो वन की रक्षण यानी फॉरेस्ट सेफगार्ड यानी फॉरेस्ट को सुरक्षित करना है ये नहीं हो रहा, वो बहुत से जगह इंडस्ट्रीज को देखकर बड़े बड़े जो क्रोनी कैपिटलिस्ट उनके चाहते हैं उनको देखकर आज पूरा फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं। उससे बारिश भी कम हो रही है, उससे जो लोग फॉरेस्ट के अंदर थे वो लोग एक एक करके बाहर आ रहे हैं और जमीन भी जो इनके कब्जे में थी वो भी उससे छुटकारा हो रहा है। तो उसको मजबूत बनाने के लिए कि उनके साथ ही रहे जमीन जंगल और जमीन जंगल और उनका और एक वर्ड है जल पानी तो ये तीनों का रक्षण करना हम जरूर
हमारा ये मुख्य मुद्दा रहेगा और उनको रक्षण करने के लिए पूरी कोशिश हम कानून के तहत करेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। और एक विशेष ये है कि जो पैसा जो पहले से ये कानून है, इस कानून के तहत ये पंचायत में इसको ग्राम सरकार हम बोलते हैं, लेकिन उनको जो अधिकार वहाँ मिलना है वो नहीं मिलता, तो इसलिए उनको मजबूती से जो कानून के तहत हमारे विलेज पंचायत है, तालुका पंचायत है, जिला पंचायत लेवल पे उसकी मजबूती हम लाएंगे। एक हमने उसी गारंटी में ये रखा है। और पांचवी ये उसमें ये है कि ये जो हमारे आदिवासी न्याय केस में कांग्रेस पार्टी द्वारा ये लाए जाने वाले MSP का अधिकार जो कानून है, और उसको जो कानूनी दर्जा देगा वो छोटे वन उपज वालों को भी कवर करेगा, यानी छोटे मोटे जितने भी फॉरेस्ट है या ये है उसको भी उसी तरीके से हम हिफाजत करेंगे जैसे MSP के लिए हम गारंटी दे रहे। तो जो भी फॉरेस्ट एरिया में उगते हैं, जो भी उत्पन्न होता है, उसके लिए भी हम एक अपना कानून बनाएंगे।